हेलो नमस्कार, फूड गुरु टू से नेहा मल्होत्रा। तो चलिए आज हम बनाते हैं एकदम हेल्दी प्योर गेहूं के आटे का तवा पराठा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आटा गूंदने के लिए सबसे पहले हमने लिया है देसी घी। आप चाहे तो ऑयल ले सकते हैं, हम बना रहे हैं हेल्दी पराठा बिल्कुल। तो हम घी को अच्छी तरह परात पे लगा लेंगे और थोड़ा सा अपने हाथ पे मल लेंगे। और ये हमने गेहूं का आटा लिया है जो हमारे घर का ही पीसा हुआ है, ये हम डाल देंगे एक बड़ा बाउल भर के, क्योंकि ये पराठा काफ़ी बड़ा बनने वाला है, तवा पराठा है। तो हमने आटा पूरा बाउल भर के लिया। अब हमने आटे में एक चम्मच घी डाल देना है और पानी ले मिक्स कर देना है घी के साथ। एकदम खस्ता पराठा, क्रिस्पी पराठा बनेगा। अब हमने पानी लेके थोड़ा थोड़ा इसे मलना चालू कर देना है इस तरह से। बहुत ही बढ़िया, एकदम चिकना डव बन के तैयार हो गया। इसे इतना बनाना है कि ना ही ये बहुत सॉफ्ट हो और ना ही हार्ड हो, बिल्कुल मीडियम होना चाहिए। अब हम इसे हल्का सा घी का हाथ लगा के एक 5 मिनट के लिए रेस्ट करने रखते थे। और तब तक हमारा ये तवा है जो बहुत बड़ा है, हमारा पराठा भी बड़ा ही बनेगा, इसे हम गर्म होने के लिए रखते हैं। जब तक ये गर्म होगा आटा भी सेट हो जाएगा। हमारा तवा गर्म हो गया है, हमारा आटा भी सेटल हो गया है। अब हमने इसके लिए पराठे के लिए एक गोला लेना है। अब देखिए इस तरह से हमें इतना बड़ा लेना है, क्योंकि ये पराठा बड़ा बनेगा, इसके लिए इतना बड़ा हमने लेना है। और इसे अच्छी तरह से आटे में डाल लेना है। और अब हम इसे चालू करेंगे बेलना। इसका प्रोसेस देखिए आप, पहले सबसे पहले आप सिर्फ सिंपल बेल लीजिए इसे, बिल्कुल सिंपल सा। अब इसके अंदर हमने जो घी रखा है उसे हल्का सा ब्रश इस तरह से बस लगा देंगे और इसे फिर से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड के ऊपर हल्का सा घी लगाएंगे, बहुत ज़्यादा घी नहीं लगाना है हमें, थोड़ा थोड़ा सा। अब ये एक फोल्ड हमारी तैयार हो गई। अब हम इसे भी बेलना चालू करेंगे बिल्कुल आराम के साथ इस तरह से। आप अगर हाथ से कर सकते हैं तो आप हाथ से भी कर सकते हैं, इसे बढ़ा सकते हैं इस तरह कर करके। या बेलन यूज़ करना है तो बेलन भी, लेकिन बड़े प्यार से और आराम से इसे करना होता है। थोड़ा सा और बढ़ाना इसे। इसके बाद हमने इसमें दूसरा भी लेयर देना है, यह हमने पहले वाले से बड़ा कर दिया है इस तरह से। अब हमने दूसरा लेयर देना है, हल्का सा घी रखना है, चारों तरफ अप्लाई कर देना है। फिर हमने इसको फोल्ड मारना है इस तरह से। इस फोल्ड पे भी हल्का सा घी अप्लाई कर देना है, बिल्कुल हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं। और फिर एक और, ये हमारा दो फोल्ड हो गया है। हमने दो बार किया था फोल्ड, अब तीसरी बार भी हम कर रहे हैं। हमने थोड़ी और बड़ी की, बिल्कुल हाथ पे ज़रा सा घी लेंगे, बहुत सारे घी की ज़रूरत नहीं, बस इस पर मल दिया, बस ये हमारे हाथ पे लगाए, इस पर भी कर दिया हमने और एक फोल्ड मार दिया। अब ये हमारे तीन फोल्ड हो गए जिसमें हमने हल्का हल्का सा घी बिल्कुल मामूली सा लगा के, अब फाइनली हमने हमसे जितना बड़ा हो सकता है उतना हम बनाएंगे, बड़े साइज़ का पराठा शुरू कर देंगे बेलना। हमारा बहुत बढ़िया पराठा बेल के हो गया है, तवा भी हमारा गर्म हो चुका है। हम इस स्टेज पे तवे पे हल्का सा चारों तरफ से घी छोड़ देंगे, बस थोड़ा सा हमने घी डालना है, देसी घी। और इसके बाद हमने हमारा पराठा बिल्कुल बड़े आराम के साथ इस तरह तवे पे छोड़ देना है पकने के लिए। आइए हम चेक कर लेते हैं हमारा पराठा एक तरफ से कितना हो गया है, क्योंकि हमें इसे अभी पलटी करना है। बस बड़े आराम, बहुत बढ़िया सिक रहे हैं, आप देख सकते हैं। अब हमने देखिए इसके ऊपर से ऐसा घी छोड़ लगा देना है, पराठा है घी तो उस पर लगेगा ही, तो ही पराठा क्रिस्पी और करारा बनेगा। बस थोड़ा सा हमने घी लगाना है, थोड़ा सा साइड से इधर छोड़ देना है और इसे भी सिकने देना है अच्छी तरह से। चलिए अब हम दूसरी तरफ भी चेक कर लें पराठा कितना सिका है, बड़े आराम से बड़े प्यार से। वाह, दूसरी तरफ भी है, बहुत ही अच्छी तरह सिकने लग गए हैं। देखिए यहाँ भी थोड़ा घी छोड़ दीजिए, घी भी हम बिल्कुल लिमिटेड लगा रहे हैं, बट पराठे पे हमें घी लगाना ही है, वरना पराठा क्रिस्प और टेस्टी नहीं बनता है। अब हमें पीछे से और इसे पकाना है, यह काफ़ी मोटा पराठा है, बड़ा है, तो इसे अच्छी तरह रोस्ट होना चाहिए, कहीं से भी कच्चा नहीं रहना चाहिए। इसे इस तरह अल्टी पल्टी करके आप देख सकते हैं चारों तरफ से
थोड़ा सा दबा दबा के, बिल्कुल क्रिस्प बनाना है चारों तरफ से, कहीं से भी ये कच्चा ना रहे। पलटी अल्टी करके इसे देखिए, अब इस तरफ बहुत ही अच्छी तरह पक गया है। फिर से इसे पलटी मारते हैं। ऑलमोस्ट हमारा पराठा रेडी हो गया है, देख सकते हैं आप, कहीं से भी बिल्कुल कच्चा नहीं है। अब इस स्टेज पे हमने इस पराठे को बहुत ही हल्के हाथ से हमारी एक सर्विंग प्लेट पे इस तरह से देखिए निकाल लेना है, और इसी तरह से मैं दूसरा पराठा भी बना लेते हैं। हमारे गर्मा गर्म तवा पराठे बन के खाने के लिए रेडी है। आप इसे एक पूरा खा सकते हैं तो खाइए, वरना आप इसे इस तरह फोर पीसेस में काटिए, बच्चे हैं तो उन्हें पीसेस करके दीजिए। कोई भी पनीर की एकदम रिच सब्जी बना रहे हो, छोले बना रहे हो, चना मसाला बना रहे हो या राजमा, ऐसे रिच सब्जियों से तो बहुत बड़ा मजा आएगा। तो इस तरह से आप देखिए, मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। तो चलिए एक और हेल्दी रेसिपी के साथ आपको मिलती है नेहा मल्होत्रा। धन्यवाद।